Press the subscribe button. Press the bell icon. You will receive all the notifications. आज हम बनाएंगे डोसा बैटर. उसके लिए हमें चाहिए 3 कप चावल, 3 कप का मेजरमेंट ले सकते हैं. अब अलग भगोने में हम लेंगे 1 कप उड़द दाल, धुली हुई उड़द दाल. उसके अंदर मिलाएंगे 1/2 कप पोहा. पोहा से हमारा डोसा क्रिस्पी बनता है. और उसके अंदर हम मिलाएंगे 1/4 टीस्पून दाना मेथी. इन सबको रात भर 12 घंटे के लिए भिगोना है. दस से 12 घंटे भीगने के बाद हमारे चावल पूरी तरह से सोख हो चुके हैं, भीग चुके हैं. अब हम इनको मिक्सर में पीसेंगे. एक जार में पहले हम चावल पीसेंगे. एक साथ चावल ना पीसें, थोड़ा थोड़ा करके पीसें. ये देखिए हमारा बैटर कितना सॉफ्ट है. इसका पेस्ट एकदम फाइन होना चाहिए. बाकी बचे हुए चावल भी हम पीस लेंगे. और अगर आपको लगता है इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत है तो आप पानी ऐड कर दें, पर इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है. अब हम अलग से हमारी भीगी हुई वो दाल और पोहा और दाना मेथी पीसेंगे. थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा लग रही है. ये देखिए हमारी दाल एकदम बारीक पीस चुकी है. अब इसको हम चावल के पेस्ट में ऐड करेंगे. इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब इसमें हम पानी मिलाएंगे थोड़ा सा. स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे. अब इसको हम ढककर 7-8 घंटे के लिए गर्म जगह पे फर्मेंट होने के लिए रखेंगे. 8 घंटे बाद देखिए डबल क्वांटिटी हो चुकी है और ये हमारा अच्छे से फर्मेंट हो चुका है डोसा बैटर. अब जब भी आपको इसे यूज़ करना है, इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसे यूज़ कर लीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन.